तो हे व्हाट्सअप गाइस, उसमें मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे गाइस। आज लिटरली मेरे को दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जो मेरा सपना था वो पूरा हो चुका है। हमने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया है गरीबों की हेल्प करने का, जैसे कि आप लोग पता है ट्रस्ट क्या होता है। तो हमने एक प्लानिंग सोची है, मैं और मेरा दोस्त है सचिंदर, तो उसने अलीगढ़ में है वो, तो उसने और मैंने स्टार्ट किया है अभी, और काफ़ी मेंबर्स भी जोड़ना है। तो अभी हम आज उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो अब पूरा काम होते ही फिर आपको बताया है हमने, इस वजह से कि आप थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर सके। और क्या ही बोलूँगा, आप जितने कर सकते, जो मतलब समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम चलते हैं, लैपटॉप लेना है आज मेरे को, लैपटॉप लेना है, देन मार्केट चलते हैं, पहले भाई को छोड़ेंगे, सभी जा रहे हैं, फैमिली जा रही फुल। तो भाई को छोड़ने के बाद पहले भाई को छोड़ते हैं, ये रहा, इसकी ड्रेस वगैरह भी लेनी है अभी पहले, तो फिर इसको छोड़ते हैं, फिर आते हुए हम वहाँ से सामान वगैरह लेते हैं अपना, मम्मी को भी सॉरी शॉपिंग वगैरह करनी है। तो चलो, यहाँ पे अभी एक गैलरी ऊपर से नीचे गिरी है, आप तो यहाँ से ऊपर जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वो वहाँ पे चुपके बैठी हुई है कूलर के नीचे, तो आपको दिखाता हूँ, बट दिल से बुरा लग रहा है, वो नीचे गिर गई है, उसको रेस्क्यू नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो, तो यहाँ पे एक जाल लगा हुआ है, तो इसी वजह से मैं उसको रेस्क्यू नहीं कर सकता। ऊपर भी जाल है, वो वहाँ उस जाल की वजह से नीचे गिरी है, तो मैं इसलिए रेस्क्यू नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमें जाना भी है, और यहाँ से नीचे गिर जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगा, तो वो आराम से यहाँ से चढ़ के चली जाएगी, क्योंकि इनके पंजे होते हैं तो ये निकल जाएगी यहाँ से, अभी इसे ज़्यादा छेड़ेंगे भी नहीं। तो आप वहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा, आई विल शो यू, पूंछ दिख रही होगी आपको उसकी, वो अंदर घुस गई। सो गाइस, मम्मी उसको पानी दे रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लग रही होगी, क्या पता इस वजह से गिरी हो, तो मम्मी ने कहा कि पानी आने दे देते हैं, फिर देखते हैं कि ये अपने आप निकल जाएगी। हाँ रख दो यहाँ पे, बच्चा है छोटा सा। छोटा बच्चा है, अरे ये नहीं निकला तो आगे इसको रेस्क्यू करते हैं, फिर जाल वाल ढक के इसको। अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और अभी मैं लैपटॉप लेकर आ चुका हूँ, वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो दिखाते हैं आपको लैपटॉप कैसा है। हैव अ लुक गाइस, दिस इज़ द लैपी जो मैंने लिया है, सो दिस इज़ वेरी क्यूट, जो जैसे मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाया था, दिस इज़ द पेन ड्राइव आई यूजिंग एंड टॉप, दिस इज़ द फिंगरप्रिंट, सो ये मेरा वॉलपेपर है केदारनाथ को, बहुत प्यारा जो मेरे को लगता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप सो मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। गाइस मैं चलते चलते इसे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्लास के लिए भी, और यहीं से शूट करना पड़ रहा है। कल का सुबह तक का काफ़ी बिजी शेड्यूल था, क्योंकि लैपी लिया है मैंने, तो उसकी सेटअप्स वगैरह कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा था, चैनल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, काम वगैरह। मेरी सांस भी चढ़ चुकी है काफ़ी, भागता भागता आया हूँ, क्योंकि क्लास के लिए काफ़ी लेट हो चुका हूँ, हाफ एन आवर। और आज का भी मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो जैसे भी डिसाइड होगा वो मैं क्लास में या फिर क्लास के बाद ही करूँगा, क्योंकि क्लास क्लास में कुछ कर नहीं सकता, क्लास में ओनली पढ़ाई, तो क्लास के बाद मिलते हैं। और अभी मैं निकल चुका हूँ क्लास के लिए, सो बाय बाय। सो गाइज, मैं यहाँ पे था अपना क्लास के बाहर, अभी थोड़ी देर पहले ही निकला था, और यहाँ पे आप बोतल अब देख सकते हो पीछे, और पीछे भैया भी हैं, तो मैं भैया से एक लेता हूँ। भैया इसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड चीज़ क्या है ये? कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफ़ी। आपका नाम भैया? सुनील। सुनील पूरा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तो एक बोतल कितने की पड़ेगी भैया ये? 70 रुपीज़। और फ्लेवर कितने मिल जाते हैं इसमें? फ्लेवर, हाँ फ्लेवर इसमें पांच है। पांच फ्लेवर्स हैं, तो एक दे दीजिए मेरे को।
कौन सा भी अच्छा फ्लेवर है। तो आज मैं ये पीता हूँ। अरे खुली हुई है, अंकल खोल दे। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये खोल थोड़ी सी गिर गई, कोई बात नहीं। तो इसको पीते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट क्या है। तो गाइस अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले चुका हूँ मैं। एक्चुअली में मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी है। आप आ सकते हैं यहाँ पे साइबर सिटी, ये ऑफिस जहाँ पे जो है अपने, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो काफ़ी यहाँ पे जो मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। आपके यहीं से लिए मैंने, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। आज का कंटेंट मेरे को मिल नहीं रहा था एक्चुअल में, तो इस पर शूट कर दिया। कल भी थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो आज कभी नहीं हो पाया। शायद कल भी कंटेंट ना मिल पाए तो ब्लॉग नहीं आ पाएगा, परसों पक्का आएगा सैटरडे को, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी है। तो मैं बाहर जाऊंगा शूट करने के लिए। शाम को टाइम नहीं मिलता यार, पब्लिकली होता है। तो पब्लिकली चैलेंज जो है वो मैंने करने वाला हूँ मैं परसों सैटरडे को। तो और ये पीता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। वैसे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छी, मैंने पी भी है, थोड़ी सी गिर गई, तो कोई बात नहीं, इसको पूरा पीते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको पूरी पी चुका हूँ। तो आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं एट होम। तो इसको ट्राई कर सकते हैं आपको जहाँ से नियर बाय काफ़ी जगह मिलती भी है शॉप वगैरह में। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है। और आज का ब्लॉग भी देखते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ मिलता है तो मेरे को आई विल शो यू समथिंग अबाउट दिस। तो गाइज चैनल को सपोर्ट करो गाइज, बहुत ज़्यादा नीड है और नीड सपोर्ट। देन यू कैन शेयर दिस चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बेल आइकन पुश कर लें, ऑन कर लें नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको जो है अपडेट डेली मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही, जो स्टार्टिंग में कल बताया था कि जो मैं ना एक ट्रस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम स्टार्ट होता है नेशनल पावर्टी रबआउट इन इंडिया। पहले ये था, अभी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नेशनल पावर्टी रबआउट फाउंडेशन। तो आप भी बता सकते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है कमेंट में। और इस आपको इस ट्रस्ट के अंदर जुड़ना है या फिर कॉन्टेक्ट करना है या फिर हेल्प करनी है हम लोगों की, तो आप हमें मेरे को इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को और फॉलो भी कर लें। और सो गाइस अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।